दरअसल पप्पू यादव और मनीष कश्यप एक मंच पर दोनों कान में गुप्तगु कर रहे थे, तभी पीछे से महिलाओं ने कई कमेंट की। सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ। लंबा प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग ना अति उत्तम, अति उत्तम प्लानिंग भीड़ों में नहीं होती अकेले होती है। एक दूसरी बात, दूसरा सम्मान करता है। हम शुरुआत इन्होंने हमारे साथ किया और हम उतरवा दिए एक बार 150। सर आप मेरा एक बात कहें, महिला लोग आप बोलिए, आप इस बात को आज अभी के बाद मत बोलिए। नहीं क्यों उतरवा, मेरी बात सुनिए ना। दरअसल महिला विकास मंच के द्वारा पटना में एक सम्मेलन किया गया था और उसका अपना बैठक था, उसमें कई अधिकारियों, कई बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, जिसमें चिराग पासवान, मनीष कश्यप, पप्पू यादव और भी कई लोग हस्ती जो बिहार के हैं वो लोग बुलाए गए थे। उसी के दौरान ये दोनों गले मिल रहे थे, पप्पू यादव और मनीष कश्यप। और पप्पू यादव और चिराग पासवान की मुलाकात को हम दिखा चुके हैं और बता चुके हैं, मगर इसमें देख रहे होंगे कान में गुप्तगू कर रहे थे, तभी कई लोग कमेंट कर रहे थे जो वहाँ पर महिला जो कर्मी आयोजन करा रहे थे वह, मगर फिर भी ये दोनों अपनी जो बातें थी वह कहते रहे। और साथ ही जब ज़्यादा बातें उठी तो पप्पू यादव ने यह कहते हुए नज़र आए कि इनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और यह पहले हमारे पास आए थे, हमारी पार्टी में आए थे और आयांस को लेकर भी उनका कहना था कि आयांस को लेकर हम ही ने सबसे पहले सहयोग किया था मनीष कश्यप को। उन तमाम बातों को भी दोहराते हुए नजर आए पप्पू यादव और साथ ही उन लोगों को भी जवाब देते हुए नजर आए कि हमारा संबंध पुराना है, और यह भी कहते हुए नजर आए कई जगहों पर कि हमारा विचार भले अलग हो मगर वो जहां भी काम करें उन्हें बधाई शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। साथ ही मनीष कश्यप भी सहजता से उनके बारे में कई अच्छी अच्छी बातें हुई कहते हुए नजर आए। इस मुलाकात की चर्चा इसलिए जोर शोर से हो रही है कि पहले पप्पू यादव मनीष कश्यप को लेकर कुछ कहते हुए नजर आए थे, कई बातें। मनीष कश्यप जब जेल गए थे NSA लगा था और फर्जी खबर को लेकर, उनकी बातों को लेकर कटाक्ष करते हुए और कई जोरदार हमला भी पप्पू यादव बोले थे, मगर मनीष कश्यप का कहना था कि कुछ भी हो मगर पप्पू यादव को लेकर वह तारीफ ही करते हुए नजर आए। और अब देखते हैं कि मनीष कश्यप मंच से क्या कुछ कह रहे हैं महिलाओं की पे, सोशल साइड और ऐसी तमाम जगहों पर कमेंट न की जाए, वह हमारे लिए देवी हैं, और ऐसी तमाम बातें सुनते हैं इस वीडियो में। को रोकना चाहिए, अगर मैं रोकूं तो फिर से कल कंट्रोवर्सी होगा और लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप को जेल डाल दिया जाए। अगर आपको रियलाइज करना है तो वोट से जो गाड़ी निकलता है गांधी मैदान तक आता है, आप लोग साइड में खड़े हो जाइएगा, देखिएगा कितने गंदे गंदे गाली देते हैं कुछ लोग, वो अलग चीज है। दिल्ली की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, बिहार की बात हुई, पूरे देश की बात हुई, हम लोग कहां खड़े हैं, हम लोग क्यों नहीं सम्मान देते हैं। जैसे उन्होंने कहा मजहब और धर्म की वजह से जो है महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई है, दी गई है कि नहीं है। तो हमारे बीच में जो महिलाएं हैं वो देवी के रूप में है, तो देवी की पूजा होनी चाहिए या देवी के ऊपर जो है उल्टा सीधा कमेंट होना चाहिए। फेसबुक पे भी जाके हम लोग बहुत गंदा गंदा लिख देते हैं, फेसबुक पे भी जाके, इंस्टाग्राम पे भी जाके, बहुत सारे जगहों पे। जब एक लड़का इंस्टाग्राम पे रील बनाता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है, एक लड़की जब रील बनाती है, एक महिला जो रील बनाती है तो उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं, ये गलत है। लेकिन महिलाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखते हुए